यहाँ पे पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो लगी हुई है। अभी जो है तेल अबीब एयरपोर्ट से निकलते हुए जब स्कलॉन के रास्ते में हम हैं तो यहाँ ये बैरिकेडिंग नज़र आई। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है, गाड़ियों की जो पड़ताल है वो भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि तेल अबीब हवाई अड्डे से निकलते समय हम जब इस गाड़ी में बैठे तो हमें इस बात की हिदायत दी गई कि जब भी कोई एक सायरन की आवाज़ आए तो गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और हमें निकलकर ज़मीन पर लेटना है। ये बचाव के लिए एक ज़रूरी कदम है। इस तरह की हिदायत के साथ यहाँ पे टैक्सी में बैठना होता है, अपनी गाड़ियों में भी बैठना होता है, तो इस हिदायत के साथ बैठना होता है। तमाम जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको इस बात की जो जानकारी है वो दी गई है। और सभी क्योंकि यहाँ पे यूज्ड हो चुके हैं हमले के, तो उनको अपने आप अब ये जानकारी जो है वो है। तो अब हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ सड़क जो है वहाँ पे पहले जो अमूमन गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, पीछे तो जाम लगा हुआ था क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन अमूमन जिस तरह से गाड़ियों की तादाद इस वक्त होती थी, जैसा कि हमारे ड्राइवर ने बताया कि उतनी तादाद अभी नहीं है। टूरिस्ट ने यहाँ पे आना काफ़ी कम कर दिया है। फ्लाइट्स काफ़ी कम आ रही हैं तेल अबीब। ये कहा जा रहा है कि जो हर पाँच में से जो एक फ़्लाइट है वो कैंसिल हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा भी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। और कई एयरलाइंस ने यहाँ तेल अबीब के लिए अपनी उड़ान बंद कर दी है, जिसमें कि इंडियन एयरलाइंस भी है जो कि 14 अक्टूबर तक यहाँ पे उड़ान नहीं भरेगी सुरक्षा के हालात के मद्देनज़र। तो ये दक्षिणी जो शहर है स्कलॉन, वहाँ हमने जाने की इसलिए सोची क्योंकि जिस तरीके से हमास का हमला हुआ, हमास के आतंकवादियों का हमला हुआ, तो ये शहर उसका एक बड़ा निशाना बना है। कई रॉकेट्स यहाँ पर आकर गिरे, जानमाल का नुकसान हुआ, आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से निकलकर सामने आई। जो हमास के आतंकवादी हैं उनके साथ IDF की जो मुठभेड़ है वो यहाँ पर हुई। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि 8 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुठभेड़ जैसी स्थिति जो है वो है, जो होल्ड अप किया हुआ है कुछ इलाकों को आतंकवादियों ने, उसको क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्कलॉन की तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ इसराइल में क्या कुछ और चल रहा है, किन इलाकों में ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, किन इलाकों में ज़्यादा जो रॉकेट के हमले हुए हैं वहाँ के लोगों को शिकार होना पड़ा है, और इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसका क्या कुछ असर गाजा में देखने को मिल रहा है या वहाँ से क्या जानकारी निकल कर आ रही है, इन सब बातों के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इतना ज़रूर है कि अब तक जिस बड़ी तादाद में 600 से ज़्यादा इसराइली नागरिकों के मारे जाने की जानकारी आ चुकी है, तादाद और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ इसराइल के जवाबी हमले में जिस तरीके से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी जद में आकर वहाँ भी नागरिकों की जो जान है वो जा रही है, उन पर खतरा है। तो इन सब बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इसराइल की जो हालत है वो युद्ध जैसी हालत है, जैसा कि यहाँ पर पहले ही ऐलान कर दिया गया है। तो इस युद्ध जैसी हालत की स्थिति को हम अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहिए।